नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार शुरू हो चुका है। प्रदेश के दो दिग्गज नेता सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं। इस बीच दोनों पार्टियों की सोशल मीडिया टीमों की भी परीक्षा का समय शुरू हो गया है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से भाजपा कांग्रेस में सोशल मीडिया वॉर भी तेज होने जा रहा है। दोनों प्रमुख दल फेसबुक, ट्विटर समेत दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हैं। सोशल मीडिया पर राजनीतिक पार्टियों का खासा जोर है। इसका एक कारण यह भी है कि यूथ को कनेक्ट करने का सबसे अच्छा जरिया सोशल मीडिया है। पार्टियों की इस रणनीति के बीच सोशल मीडिया पर हमेशा आगे रहने वाली बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश से चौंकाने वाली खबर है। कुछ ही दिन पहले 1 मिलियन फॉलोअर का जश्न मनाने वाली बीजेपी अब कांग्रेस से 1 लाख फॉलोअर से पिछड़ गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट पर 1.1 मिलियन यानी कि 11 लाख से अधिक फॉलोअर हो गए हैं। कांग्रेस ट्विटर पर मध्य प्रदेश की बीजेपी इकाई के साथ देश भर के सभी राज्यों की कांग्रेस इकाई से भी बढ़त बनाते हुए पूरे देश में अव्वल हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस है, जिसके 5,40,000 फॉलोअर है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के इंस्टाग्राम पर 75,200 फॉलोअर है, जबकि बीजेपी के मात्र 32,700 फॉलोअर है। फेसबुक पर बीजेपी कांग्रेस से आगे है, बीजेपी के 1 मिलियन फॉलोअर है तो कांग्रेस के 6.46 लाख ही फॉलोअर है। कांग्रेस का कहना है कि मासिक तौर पर फेसबुक पर उनका फॉलोअर इंगेजमेंट अधिक है। बताया गया कि व्हाट्सएप पर मध्य प्रदेश कांग्रेस पहले से ही करीब 1.40 लाख से अधिक ग्रुप के साथ अपना विस्तार बूथ एवं पंचायत स्तर तक कर चुकी है। कांग्रेस की रीच 100 टीम्स में भी पूरे प्रदेश में सक्रिय है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए या आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का। नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार शुरू हो चुका है। प्रदेश के दो दिग्गज नेता सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं। इस बीच दोनों पार्टियों की सोशल मीडिया टीमों की भी परीक्षा का समय शुरू हो गया है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से भाजपा कांग्रेस में सोशल मीडिया वॉर भी तेज होने जा रहा है। दोनों प्रमुख दल फेसबुक, ट्विटर समेत दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हैं। सोशल मीडिया पर राजनीतिक पार्टियों का खासा जोर है। इसका एक कारण यह भी है कि यूथ को कनेक्ट करने का सबसे अच्छा जरिया सोशल मीडिया है। पार्टियों की इस रणनीति के बीच सोशल मीडिया पर हमेशा आगे रहने वाली बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश से चौंकाने वाली खबर है। कुछ ही दिन पहले 1 मिलियन फॉलोअर का जश्न मनाने वाली बीजेपी अब कांग्रेस से 1 लाख फॉलोअर से पिछड़ गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट पर 1.1 मिलियन यानी कि 11 लाख से अधिक फॉलोअर हो गए हैं। कांग्रेस ट्विटर पर मध्य प्रदेश की बीजेपी इकाई के साथ देश भर के सभी राज्यों की कांग्रेस इकाई से भी बढ़त बनाते हुए पूरे देश में अव्वल हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस है, जिसके 5,40,000 फॉलोअर है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के इंस्टाग्राम पर 75,200 फॉलोअर है, जबकि बीजेपी के मात्र 32,700 फॉलोअर है। फेसबुक पर बीजेपी कांग्रेस से आगे है, बीजेपी के 1 मिलियन फॉलोअर है तो कांग्रेस के 6.46 लाख ही फॉलोअर है। कांग्रेस का कहना है कि मासिक तौर पर फेसबुक पर उनका फॉलोअर इंगेजमेंट अधिक है। बताया गया कि व्हाट्सएप पर मध्य प्रदेश कांग्रेस पहले से ही करीब 1.40 लाख से अधिक ग्रुप के साथ अपना विस्तार बूथ एवं पंचायत स्तर तक कर चुकी है। कांग्रेस की रीच 100 टीम्स में भी पूरे प्रदेश में सक्रिय है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए या आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का।